ओके, तो यहाँ पे आपका अगर स्टोरेज फुल हो गई है टीवी की, तो आप कैसे स्टोरेज बढ़ा सकते हैं अपने टीवी की, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाइए, उसके बाद यहाँ पे आप डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टोरेज दिखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टोरेज आपकी है कुछ 5 GB के लगभग आसपास है, और ऐप्स ने ही 1 GB तक ले लिया है, 858 MB ले लिया है। और आप कैचे यहाँ पे पहले क्लियर कर दीजिए, ये वेस्ट वायरसेस होते हैं। और उसके बाद ये क्लियर होने के बाद देखिए अवेलेबल अभी 3.7 GB अवेलेबल है। तो ये ज़्यादातर हमारी एप्लीकेशन ही इसे लेती है। तो आपको यहाँ पर आइडिया बताता हूँ, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर को आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एप्स, गेम्स और माई एप्स आपको दिख रहा होगा। तो आपको ऊपर जाके माई एप्स में आना है और यहाँ पे आपको यहाँ पर देखिए कोई भी आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से ये अपडेट है तो रहने दीजिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और देखिए ये भी हो चुका है, दूसरी पे ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया, तो ये अनइंस्टॉल करेंगे तो जो अपडेट थी वो इंस्टॉल होगी और एप्लीकेशन आपके पास रह जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा MB की एप्लीकेशन होती थी, ये 2 MB की थी लेकिन आपकी 2 MB बच गई, ज़्यादा MB की थी अभी 2 MB की बची। तो यहाँ से इसे भी इंस्टॉल हम कर देते हैं। देखिए ये 5 MB की है, अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो शायद ये 2 MB या 1 MB की हो जाएगी, तो आपकी MB बहुत बचेगी। यहाँ से इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं। हम देखेंगे भी कि कितनी हमारी बची है। तो आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाइए, वीडियो को स्किप मत करिए, एक एक एप्लीकेशन को यहाँ से आप रिमूव करते जाइए, क्योंकि हमें देखना भी है कि कितनी MB हमारी बची है। तो ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा TV लॉन्चर है, जो हमारे TV में लॉन्चर होता है ये वो है, तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। ये 8 MB का होता है, ये इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो हम एक एक करके सब करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बैक आ जाते हैं और कोई दूसरी एप्लीकेशन पे, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं हमें जिसे इंस्टॉल करना है। तो ऑन वन डिवाइस TV इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सब अपडेट है जो भी गूगल LLC की तरफ से होते हैं अपडेट, वो अपडेट है, फालतू में हमें ज़रूरत नहीं है तो अपडेट करने की। सिर्फ मैं यूट्यूब को ही अपडेट रखता हूँ और कुछ नहीं अपडेट रखता हूँ, तो इसे भी यहाँ से इंस्टॉल मैं कर दे रहा हूँ जो है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें यूट्यूब ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ यूज़ करते नहीं है, तो क्या फ़ायदा सबको अपडेट रखने का। तो जो भी है, ये क्रोमकास्ट को भी मैंने अपडेट रखा है, इसे इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये काम आता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं इंस्टॉल करना चाहते मत कीजिए। तो मैं गूगल ऐप को भी नहीं इंस्टॉल करता हूँ, ये भी काम आती है। एंड इसे इंस्टॉल कर दीजिए, गूगल प्ले गेम्स, अगर आप खेलते हैं तो इसे अपडेट रहने दीजिए, अगर आप गेम खेलते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे रखने की। ठीक है, एक एक करके गूगल प्ले मूवीज़ और TVs जो भी आपको यहाँ पर दिखता है, ये सब काम का तो होता नहीं है, बहुत कम ही लोग ये सब यूज़ करते होंगे, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आप करते हो तो करिए। तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।